अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला की आज जयंती है। नेल्सन को शांति के दूत के रूप में भी जाने जाते हैं। रंगभेद के खिलाफ लड़ाई में नेल्सन मंडेला के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। महात्मा गांधी की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए 27 साल जेल में काटे थे। सन 2009 नवंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान को देखते हुए उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 18 जुलाई को मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया गया था और तब से ही हर साल उनके जन्मदिन के दिन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला जी का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्योजी ईस्टर्न कैप दक्षिण अफ्रीका संघ में गेटला हेनरी और उनकी तीसरी पत्नी नेक यूपी नोस्केनी के यहाँ हुआ था। मंडेला जी के पिता हेनरी म्योजी कस्बे के जनजातीय सरदार थे। स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला भी कहते थे, जिससे उन्हें अपना उपनाम मिला। आइए अब जानते हैं कि वो कैसे जेल में 27 साल बिताए थे। सन 1943 में पहले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता बनने के बाद नेल्सन मंडेला एएनसी यूथ लीग के संस्थापक बने थे। इसके बाद मंडेला ने वकालत की पढ़ाई की और अपने साथी ओलिवर टोम्बो के साथ जोहान्सनबर्ग में वकालत करने लगे। उन दोनों ने मिलकर रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। इसी कारण 1956 में उनके साथ 155 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा चलाया गया, जिसे 4 साल बाद खत्म कर दिया गया। सन 1960 में एएनसी पर प्रतिबंध लग गया था। मंडेला ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अभियान चलाया था। 5 अगस्त सन 1962 को उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश को छोड़ने के आरोप में भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा भी चलाया गया। सन 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1964 से सन 1990 तक रंगभेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई के चलते उन्हें जेल में पूरे 27 साल बिताने पड़े। उन्हें रोबेन द्वीप के कारागार में रखा गया था, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा था। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी। जेल में लिखी गई उनकी जीवनी 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, जिसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। जीवन के 27 वर्ष कारागार में बिताने के बाद 11 फरवरी सन 1990 को उनकी रिहाई हुई। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति के द्वारा उन्होंने एक लोकतांत्रिक एवं बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ उसकी सरकार बनी। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला अपने देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला जी को 1993 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेल्सन मंडेला जी ने कहा था, विकास और शांति को अलग नहीं किया जा सकता। शांति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बगैर कोई भी देश अपनी गरीब और पिछड़े हुए नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता। गांधी जी की अहिंसा और असहयोग विचारधारा ने मंडेला पर काफी असर डाला था। वह अपने जीवन में गांधी के विचारों पर प्रभाव की बात किया करते थे। सन 2007 में नई दिल्ली में हुई सम्मेलन में अपने वीडियो संदेश में मंडेला जी ने कहा था, दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण बदलाव में गांधी जी की विचारधारा का योगदान छोटा नहीं है। उनके सिद्धांतों के बल पर ही आज दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की घृणित नीति के कारण जो समाज में गहरा भेदभाव था, वह खत्म हो सका है। क्रांति की राह पर चलने वाले नेल्सन को
लेकर उनका परिवार चिंतित रहता था, इसलिए उन्होंने उसकी शादी कराने की सोची। लेकिन नेल्सन मंडेला 23 साल की उम्र में शादी से भागकर परिवार को छोड़कर चले गए थे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।